गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास है हिंदी मीडियम। आप जब भी कोई वीडियो देखे मोबाइल से आंखों की दूरी 25 सेंटीमीटर हो, जिससे आंखों को नुकसान ना पहुंचे। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, एमएस वर्ड। पेज नंबर है आपका 18। ये केवल आपको रीड करना है, उतारना नहीं है। देखिए एमएस वर्ड क्या होता है। एमएस वर्ड विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। आप इसकी सहायता से अनेक प्रकार के डॉक्यूमेंट होते हैं आपके दस्तावेज तैयार कर सकते हैं, अथवा उसमें संशोधित होती है अपनी आवश्यकता के अनुसार, आप उसमें बदलाव कर सकते हैं। आपके जो भी प्रोजेक्ट वगैरह बनते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड ऑफिस वगैरह में, वो कहाँ बनते हैं, एमएस वर्ड के अंदर ही में बनते हैं। इसमें हमें सुविधा मिल जाती है कि जो वर्तनी होती है यानी जो स्पेलिंग्स होती हैं, हम उनकी मिस्टेक्स को भी सही कर सकते हैं, उनकी जो त्रुटियाँ होती हैं, गलती होती है, हम उसको सही कर सकते हैं। एमएस वर्ड ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा स्टार्ट बटन पर, उसके बाद है आपका ऑल प्रोग्राम्स, उसके बाद है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2003, जो किसी का ये पार्ट है एमएस ऑफिस का ही, और उसके बाद आपका ओपन हो जाएगा एमएस वर्ड। क्लियर। ये तो मैं आपको बता चुका कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, दस्तावेज तैयार करते हैं। इसमें हमें सुविधा मिलती है सारणी बनाने की। देखिए सारणी क्या होती है, सारणी होती है टेबल्स। एमएस वर्ड में सारणी यानी कि जो टेबल होती है वह रो तथा कॉलम से मिलकर बनती है। जैसे आप शहर में देख रही हैं, मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ है, इसमें क्या है, रो है और कॉलम है। रो होती है आपकी हॉरिजॉन्टल और कॉलम होते हैं आपके वर्टिकल। क्लियर स्टूडेंट्स, इनसे मिलकर बनती है सारणी। और जहाँ पर रो और कॉलम एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, टकराते हैं एक दूसरे के साथ, प्रतिच्छेदन करते हैं, जो आपका बॉक्स देख रहे हैं वह बनता है आपका एक सेल, जिसमें आप डाटा को अरेंज करते हैं यानी डाटा को रखते हैं। सारणी का प्रयोग किसी भी सूचना, किसी भी इंफॉर्मेशन को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने के लिए ही किया जाता है। जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है उसको आप सिस्टमेटिक अरेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल्स, सारणी के माध्यम से। इसकी हमें सुविधा ये भी होती है कि आप इसमें कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। जो भी आपकी गणनाएं होती हैं सिंपल कैलकुलेशंस, वो आप सारणी में कर सकते हैं। ये केवल आपको रीड करना है, उतारना नहीं है। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।